सन्नाटा क्यों है भाई? सो हे जी गेम फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई ट्रिप की वीडियो है तो देख के समझ आ गया होगा। ट्रिप दिखाते हैं, बीच में थोड़ा सा एक हॉल्ट लेते हैं। और ये जो तरीका है ना वीडियो बनाने का, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, बेसिकली अपग्रेड करा है। आवाज़ पे बिल्कुल बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है अच्छे से। तो मैंने लास्ट वीडियो जिसने देखी हो ना, मैंने बताया था कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें जाने वाले थे हम तीनों, मैं, भानु और नीरज। अब हम जब जाने वाले थे ना, हमारी ट्रिप एक रीज़न की वजह से वही कैंसिल। अब वो कैंसिल क्यों हुई भाई, उसका ना अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि शायद ही किसी के साथ ऐसी कभी ट्रेजेडी हुई हो। मेरे साथ तो नहीं हुई, और भाई हमें गुस्सा भी आ रहा था और हमें हंसी भी आ रही थी कि ये हुआ क्या है। अब इसका कंटेंट तो अलग से मिल जाएगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग आप कह सकते हो। एंड में ज़रूर बताना कि ये तरीका वीडियो बनाने का आपको कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि आई बिलीव कि दिस इज़ अ गुड वे कि हम एक कहानी कैसे रख सकते हैं, ठीक है? तो एक कहानी शुरू हुई है, यहाँ से हम लोग घर से निकले हैं, और ये जो ट्रिप है ना, ये है फैमिली के साथ, ठीक है? मतलब मैं, मम्मी, पापा और भाई, हम चार लोग जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, ये छोटा सा सस्पेंस, ये वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं ना, हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहाँ पहुँच के गए काफ़ी बार हैं, पर लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो क्या हुआ ना, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लगे पेट्रोल पंप पे, दिल्ली पेट्रोल है बट स्टिल यहाँ पे मुझे को ऐसा लग रहा था कि मैंने पेट्रोल के पैसे दिए बिना चला जाऊँगा, लेकिन मैंने पैसे दिए थे। अभी ना सामने से भागे भागे भैया आए, कहते फ़ोन होल्डर ले लो। फ़ोन होल्डर पे फ़ोन ही लगा हुआ है, उसे ही देख के चले गए। हाँ भाई, वो इसी फोकस से आया था सामने वाला, उसने देखा फोन ही लगा हुआ है और वही रिकॉर्ड हो रहा है, वापस चला गया। बता ना, वो भाव उन पकौड़ों में जरूर खाता है और बुराई करता है। तो फिर जब पता है तो क्यों खा के बुराई करता है, इससे बढ़िया खाए ही ना। यहाँ से अपन चढ़ गए मेरठ एक्सप्रेस में, और ये ना मेरठ के पकौड़े वाले की बात हो रही है भाई। किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी ना, तो वो पकौड़े वाला सबसे पहला पड़ता है, लोग सभी उसी पर रुकते हैं और खा के उसी की बुराई करते हैं। इतने बेकार बनाता है पनीर पकौड़े। ये जो हमारे चेहरों पे हसीन खुशियां दिख रही है ना, ये थोड़ी देर में गायब होने वाली है, क्योंकि याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ। तो हुआ क्या था ना, हम जब वहाँ पे रात को पहुँचे भाई साहब, उस लोकेशन के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में एक भी रूम खाली नहीं है, कोई होटल खाली नहीं है, सब फुल है, टोटली फुल पैक। हमने बोला कि आप किराया डबल ले लो, 1500-2000 के रूम में हम डबल दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, रूम ही नहीं है। हाँ जी, तो अपन ना पूरा का पूरा रूम के वापस आ गए, रूम का बहुत इशू हो रहा है, यहाँ पे रूम नहीं है। अब रूम का जुगाड़ तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कैसे हो पाता है इसके आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और इतने में आ जाता है ब्रेक टाइम, बीच में रुके भाई थोड़ा होल्ड पे। भाई व्यू देखो क्या मस्त है, दिस इज 1x 2x 0.5x, पर रूट मस्त है, अच्छा आ रहा है घंटे का। पे यही तो है लेफ्ट साइड में पनीर पकौड़े वाला, जो इतनी भीड़ है। देसी शराब कह रहा है कौन सा? 14.9 की एवरेज लाया हूँ मैं, देखो 14.9 की एवरेज। आप बहुत ही बढ़िया ड्राइवर हैं, बट आपने एवरेज के चक्कर में और अपनी ड्राइवरी को प्रसिद्ध करने के चक्कर में हमें छोले कुलचे नहीं खिलाए और आप गाड़ी लेके भाग आए। बस अच्छी में रोकनी थी क्या? कुछ ना, हम तो ऐसी मजाक कर रहे हैं, हम तो पागल हैं, हमें छोले कुलचे खाने हैं। वो छोले कुलचे रायता, मेरा छोले कुलचे। क्या हो गया, क्या हो गया, डरा दिया एकदम। क्या कहा, आगे पीछे कहा है वो? तो क्या हुआ, हाँ ठीक है पहले देख लेते हैं। बेसोले थोड़े खट्टे कर देना, बढ़िया थोड़े से छोले तीखे जी। ये जो छोले कुलचे वाले भैया है ना, इनकी एक बड़ी खास बात थी, अभी आपने सुना ना मैंने कहा कि छोले तीखे खट्टे कर देना, इनको आप कुछ भी बोलो ये बस गर्दे नहलाएंगे और सेम छोले दे देंगे। तो इन्हें कुछ भी बोलो, इन्होंने आपको सेम टाइप के छोले देने हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप भैया से कुछ भी बोलो, भैया दिल पे नहीं लेते, भैया वही करते हैं जो भैया को करना है, भैया का स्वैग है। बस वाला कर मैं लेके जाऊंगा, किसी के बस की है तो कर लो, टच आ जाओ देख दे कि नो वाले सब सब, सब दबा दिए उसने। लेफ्ट साइड में बस वाला दिख रहा है भाई, उसकी बात हो रही है, अब देखो 0.5 पे दिख रहा होगा, सब दबा दिए भाई, सब दबा दिए, मैं ही जाऊंगा, दबाया जा रहा है, देख रुकेगा ही नहीं अब।
तुम्हारी छिलदा मेरा का जा रहा है उसका क्या जाएगा नहीं बच्चों कैसे उठाते हुए लेके जा रहा है बच्चा चोर इनोवा वाले को निकलने ही नहीं दे रहे उधर देख रहे हो बस के पीछे बस ही लग रही है तीन तीन बसें टिका दी उसने वो देखा वो घुसा रहा है उसमें ला बेटा लगा तू उसमें वो निकलने ही नहीं देगा वो देखो उधर देखो उसने बस से बस हटा दी उधर कलेश हो गया बस वो गया निकल के गया बस वाले दे लड़ाई हो गई सब सब दिल्ली अचार चल रहा है पुलिस वाला ये ससुर पागल है दो छुट्टियां मिले दिल्ली है पूरी दिल्ली हरियाणा पहाड़ों पे बस जाता है चले भैया ये एफएम बसता रहेगा चाय वाय पिए इधर चाय वाय का सीन चल रहा है भाई जो रूट है ना वो बहुत अच्छा रूट है पर टू लेन है मेरठ एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद और उसके बाद से ना कुछ चीज़ें दोनों तरफ ट्रैफिक इतना आ रहा है तो जो जो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ठीक है नहीं भाई अभी यहाँ से लगेगा होगा 150 किलोमीटर के आसपास अभी और जगह अभी ना साइडों में खेत वेत मिल गए खेत में चले गए भाई गन्ने गन्ने खेत है क्या मस्त है यार कौन से अंकल बैठे कोई बात नहीं भाई देख गन्ने गन्ने लग रहे हैं इसमें भाई मैं कांटे चुपते हैं लास्ट टाइम ना मैं पहले की बात है स्कूल टाइम में मैं एक बार आया था मामा वगैरह के साथ और मैंने सीधा उठा गन्ने उखाड़ लिया भाई उसमें कांटे ही कांटे सारे हाथों में गन्ने फेंके मैं पहले कांटे निकालो हाथों में से दोनों हाथों में कांटे ही कांटे घुस गए थे भाई कच्चे हैं देखना हरे वगैरह हो रखे पता नहीं इन्होंने गुच्छा गुच्छा बना रखा है यहाँ पे ना हम लोगों ने रुक के चाय पी थी जिसमें चीनी मुझे कम लग रही थी लेकिन इस इंसान को चीनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए इसने खूब दबा के चाय पी और इस टाइम तक हम लोग गन्ने तोड़ के अपनी गाड़ी में रख चुके थे ताकि भैया को ना दिखे वैसे चाय ज्यादा पीनी नहीं चाहिए सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है कभी कभी पी लेनी चाहिए ज्यादा नहीं पीनी चाहिए अपने डेस्टिनेशन से भाई 1 से 1.5 किलोमीटर पहले हमें मिलता है बहुत ही भयंकर जाम 1 किलोमीटर के करीब का है जाम टाइम कितना दिखा रहा है 22 मिनट्स यही कट है पानी हां इतनी सारी लाल बत्तियां दिख तो रही है जलती हुई देखो कितना जाम है ये तो सिर्फ आने का है ये ऊपर चढ़ रहा है चल ले भाग ले फटाफट अब जाम बहुत तगड़ा है पता ही तो पार्किंग का जाम है पीछे भी पूरा जाम लगा हुआ है देखो पाजी ने सर्टिफिका का चालान काट दिया बहुत देर से करता हटा नहीं आ रहा थे तो पुलिस वाले भैया ने चालान काट दिया और इसके चक्कर में जाम भी हो रहा है बड़े गलत टाइम पे कर रखा है जितनी मर्जी चालान तो कट गया पर चालान काट दिया भाई का मत करे करो यार ऐसी खड़ी ध्यान रखे करो तो फाइनली इतने सारे जाम से लड़ने के बाद और बड़ी मुश्किल से पार्किंग स्पेस ढूंढने के बाद हम पहुंच चुके थे लगभग हर दिल्ली वाले की फेवरेट जगह हरिद्वार जहां पे हम लोगों को 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है 1 दिन की भी मिलती है तो भी हम सोचते हैं कि यार क्यों ना हरिद्वार हो जाए पहुंचने के बाद ही शुरू हुई थी जिसका सोर्स था ये भीड़ इनके चक्कर में हमें भी रूम नहीं मिला हाँ जी तो अपन ना पूरा का पूरा रूम के वापस आ गए रूम का बहुत इशू हो रहा है यहाँ पे रूम नहीं है तो एक हमारे नोन में है जगह तो वहां जा रहे हैं पहले वहां जाते हैं एंड फिर देखते हैं हमारा रूम कॉल तो कर दिया है अगले एपिसोड में आके देखना तो अब ये जो लिंक वाली जगह है इस पे पहुंचने के लिए हम तुरंत निकलते हैं क्योंकि ये हरिद्वार से 5-6 किलोमीटर आगे है टूवर्ड्स ऋषिकेश वहां पहुंचने के बाद तो भैया इसकी एंट्री ही बड़ी सुंदर सी थी वेरी ब्यूटीफुल मैं पहले आया हुआ हूँ अब इस बार काफी टाइम बाद आया हूँ काफी अच्छा है ये प्रॉपर्टी दिन में दिखाने लायक है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हाँ नीचे है ना काफी ये देखो गार्डनिंग वगैरह नीचे बहुत कुछ है नीचे भी है बेसमेंट का हॉल इसका बहुत बड़ा है मेरे को याद है नीचे वाला हॉल काफी बड़ा है ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं अच्छा लगा
एंड कल हम आगे निकलेंगे यहाँ से। पहले तो सुबह हरिद्वार में नहाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। कल कहाँ जाते हैं, ऋषिकेश का प्लान तो है ही है, उसके आगे देखते हैं, जो कि कल के ब्लॉग में मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।